नमस्कार, मैं भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए उनकी जयंती पर सादर वंदन करती हूँ और इस पावन अवसर पर आप सभी शिक्षकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। यूँ तो हमें हर किसी से किसी न किसी रूप में कोई ना कोई शिक्षा मिलती ही रहती है। जीवन के उन सभी ज्ञानदायी शिक्षकों को भी मेरा वंदन। आज शिक्षक की भूमिका बताने से पहले मैं आज हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, विश्वविख्यात वैज्ञानिक और महान शिक्षक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की इन पंक्तियों को उद्धृत करना चाहूँगी। यदि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो मेरा मानना है कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य ही वह कार्य कर सकते हैं, पिता, माता और शिक्षक। जी हाँ, इस विचार के अनुसार हम शिक्षकों की भूमिका और भी बढ़ जाती है देश हित में। आज के दिन मैं महान शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले को भी याद करते हुए उन्हें हार्दिक नमन करती हूँ, जिन्हें पहला महिला विद्यालय खोलने का श्रेय जाता है। वर्ष 2020-21 में महामारी के दौरान देश ही नहीं विश्व भर के शिक्षकों में जो संघर्ष किया, अपने आप को समय अनुरूप ढालकर अपने आप को तकनीक से जोड़ने का जो प्रयत्न किया और शिक्षा के प्रवाह को रुकने न देने का जो बीड़ा उठाया, वो अतुलनीय है और उसे सराहा भी गया। मगर दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने शिक्षकों के विषय में बहुत कुछ अपशब्द भी कहे। उन्हीं लोगों को समर्पित करते हुए मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, मगर ये कविता मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से आज प्राप्त हुई है और इसके लेखक शायद कोई अध्यापक हैं जिनका नाम अज्ञात है, मैं उन्हें भी वंदन करती हूँ। इस कविता में उन्होंने शिक्षक के लिए मास्टर जी शब्द का प्रयोग किया है। इस कविता को जेंडर न्यूट्रल बनाते हुए मैं मास्टर जी की जगह शिक्षक शब्द का प्रयोग करूँगी। तो प्रस्तुत है एक शिक्षक की शानदार रचना, किसने स्कूल चलाए थे। बच्चों की शिक्षा पर जब संकट के बादल छाए थे, शिक्षक ने यदि मजे किए तो फिर किसने स्कूल चलाए थे। शुरू हुआ था लॉकडाउन तो इम्तिहान की बारी थी, वार्षिक परिणामों की खातिर पेपर चेकिंग जारी थी। जारी जो परिणाम हुए तो क्या ऊपर से मंगवाए थे, शिक्षक ने यदि मजे किए तो किसने स्कूल चलाए थे। अगले सेशन की तैयारी बच्चों से करवानी थी, कुकिंग कॉस्ट और किताबें सही वक्त पर पहुंचानी थी। बच्चों तक राशन पहुंचाने कौन फरिश्ते आए थे, मास्टर जी ने, शिक्षक जी ने मज़े किए तो फिर किसने स्कूल चलाए थे। बच्चों के भावी जीवन को लेकर सबसे आगे थे, हर घर स्कूल बनाने वाले अध्यापक तब सब जागे थे, अध्यापक तब सब जागे थे। ऑनलाइन कक्षा में हर दिन किसने पाठ पढ़ाए थे, शिक्षक ने यदि मजे किए तो फिर किसने स्कूल चलाए थे। खतरे का माहौल था फिर भी अपना फर्ज निभाना था, हर हालत में पंचायत के हर स्टेशन तक जाना था। जनप्रतिनिधियों के चुनाव किसने संपन्न कराए थे, शिक्षक ने यदि मजे किए तो फिर किसने स्कूल चलाए थे। स्वेच्छा से हर अध्यापक ने जनसेवा के काम किए, सरकारी आदेश हुए तो ऑक्सीमीटर भी थाम लिए। बॉर्डर पर टूरिस्टों ने फिर किसको पास दिखाए थे, शिक्षक ने यदि मजे किए तो किसने स्कूल चलाए थे। डाटा एंट्री, फोटोग्राफी, टीकाकरण में शामिल थे, कर डाला हर काम सभी। अध्यापक ने कब कोई आदेश कहीं ठुकराए थे, शिक्षक ने यदि मजे किए तो फिर स्कूल किसने चलाए थे। खेल कूद विज्ञान गणित में नाम कमाने वाले हैं विद्यार्थी जो 100% अंकों को लाने वाले हैं। देश के ये अनमोल नगीने बोलो कहाँ से आए थे, शिक्षक ने यदि मजे किए तो फिर स्कूल किसने चलवाए थे। ब्रह्म और महेश्वर की संज्ञा से जिसे नवाजा है, गुरु नहीं वह
मात्र, गुरु नहीं वे मात्र, कई बच्चों के दिल का राजा है। विद्या आदर व अनुशासन किसने तुम्हें सिखाए थे? शिक्षक ने यदि मजे किए तो फिर स्कूल किसने चलवाए थे? धन्यवाद। तो ये थी एक अध्यापक की शानदार रचना, और इसी के साथ आप सभी को शिक्षक दिवस की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैथोफीलिया की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।